अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रामसी तारीख़ वफ़ा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही तैन और मरियम घर आते हैं तो सिप्तैन कहता है कि आसिम तुम्हें खासा पसंद करता है, तो इनकार की क्या वजह थी। तो मरियम उसे कहती है कि जब इज्जत और एहतराम ना होना तो ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं होता। सिप्तैन के दिमाग में तो आसिम की बातें घूम रही होती हैं, और जैसे ही सिप्तैन के घर वालों को ये बातें पता लगती हैं तो उसकी बहन तो हैरानगी से मरियम की तरफ देखती है कि आखिर ये मामला क्या है। क्योंकि जब सिप्तैन और मरियम बात कर रहे होते हैं तो नौशीन उनकी बातें सुन लेती है और वो जाकर अनिला को ये बात बता देती है। उसके बाद नौशीन तो इस चीज़ का बहुत फायदा उठाती है। वो सिप्तैन से कहती है कि ऐसी तो किसी को इतनी मोहब्बत नहीं हो जाती ना जब तक कोई आसरा ना दिया जाए, और सिप्तैन इस चीज़ को लेकर सोच में पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हया अपनी वालदा से कहती है कि अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना तो मैं मंगनी से इनकार कर दूंगी। लेकिन उसकी वालदा उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी परेशान होती है। तो हया के वालिद कहते हैं क्या हुआ है, तो वो कहती है कि मैं तो लोगों की बातों की वजह से परेशान हूँ कि किस तरह लोगों के मुंह बंद किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ आसिम अपनी वालदा से कहता है कि मेरा बस चले ना तो कब का इस घर को लात मार के चला जाऊं, लेकिन बस किसी मजबूरी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ।